नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत के संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित रहती हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून के रूप में स्थापित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में एक साथ समवेत दोनों सभाओं में अभिभाषण देते हैं और संसद को इस सत्र के शुरू होने की वजह भी बताते हैं। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार के क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें सरकार की भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। आज विशेष में बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े तमाम पहलुओं पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत होती है। इसके अलावा लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दरअसल हमारे संविधान में राष्ट्रपति के अभिभाषण की व्यवस्था है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संरचना राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर होती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण हमारी संसदीय प्रक्रिया का खास हिस्सा है। संसद भारत संघ की सर्वोच्च विधायिका है और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बेहद ही खास जगह है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस तरह से राष्ट्रपति संसद का एक संघटक अंग है। संविधान के अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरू होने पर और हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और सत्र को उसे बुलाए जाने के कारणों से अवगत कराएंगे। हर वर्ष संसद के पहले सत्र को ही बजट सत्र कहा जाता है, यानी बजट सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरुआत में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 87 में जिस अभिभाषण का जिक्र है उसे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेस के बारे में संविधान में लिखा आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 में ये प्रावधान है कि 87 में जब भी नई लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो उसका पहला सेशन, और हर साल जो पहला सेशन हो उसमें प्रेसिडेंट शल, मतलब ये उनको करना जरूरी है, ही शल एड्रेस द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज असेंबल्ड इन द सेंट्रल हॉल। वो दोनों हाउसेज के मेंबर जो सेंट्रल हॉल में आते हैं उनको अभिभाषण देते हैं। संविधान में एक और स्थिति का जिक्र किया गया है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद के किसी एक सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो सकता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 86 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ संवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। हालांकि संविधान लागू होने से अब तक राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 86 के तहत संसद की किसी एक सभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण नहीं किया है। आर्टिकल 87 के अंडर एक और आर्टिकल है 86, इसमें है प्रेसिडेंट मे डिलीवर एन एड्रेस, चाहे
अकेले हाउस को चाहे दोनों हाउसेस को मिला के जब भी वो करना चाहे तो कर सकता है। आज तक संविधान बनने के बाद इस आर्टिकल के अंडर कभी भी राष्ट्रपति जी ने एड्रेस नहीं किया, न एक हाउस को न दोनों हाउस को। तो जितने भी एड्रेसेस हुए हैं वो आर्टिकल 87 के अंडर हुए हैं। अमूमन हम राष्ट्रपति के जिस अभिभाषण का जिक्र करते हैं वो अनुच्छेद 87 के तहत है। अब बात राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु की, जिसमें सरकार की नीतियों का विवरण होता है, इसलिए अभिभाषण का प्रारूप सरकार की ओर से तैयार किया जाता है। सरकार ही इसकी विषय वस्तु के लिए उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पिछले वर्ष के सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों का जिक्र होता है। इसमें महत्वपूर्ण आंतरिक और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में सरकार की ओर से अपनाई जाने वाली नीतियों की भी झलक होती है। इसमें उन विधायी कार्यों का भी उल्लेख होता है जिन्हें उस वर्ष के दौरान होने वाले सत्रों में संसद में लाने का विचार होता है। अब ये प्रेसिडेंट एड्रेस जो होता है ये गवर्नमेंट एड्रेस है, गवर्नमेंट ही इसको बनाती है और राष्ट्रपति जी आके इसको पढ़ते हैं। इस एड्रेस में ये बताना होता है कि हमने गत वर्ष में क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं, हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है, इंटरनल इंटरनेशनल सिचुएशंस के ऊपर हमारी राय क्या है और लेजिस्लेशन आगे हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है जो जरूरी करना होता है। लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की दशा में राष्ट्रपति सदस्यों की शपथ लेने और अध्यक्ष के चुने जाने के बाद संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक कोई दूसरा कार्य नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण संविधान के अधीन एक गरिमापूर्ण और औपचारिक प्रक्रिया है। अभिभाषण के सिलसिले में कुछ औपचारिकताओं का भी पालन किया जाता है। दोनों सभाओं के सदस्य संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के आगमन से कम 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। सदस्यों से ये आशा की जाती है कि वे अभिभाषण के दौरान केंद्रीय कक्ष से बाहर नहीं जाएं। राष्ट्रपति राजकीय बग्गी या कार में बैठकर संसद भवन पहुंचते हैं और द्वार पर राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के महासचिव उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में जाते हैं। राष्ट्रपति के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करने पर मार्शल राष्ट्रपति के आगमन की घोषणा करते हैं। माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति के स्थान ग्रहण करने के बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है। फिर राष्ट्रपति हिंदी या अंग्रेजी में अभिभाषण करते हैं। इसके बाद अभिभाषण का रूपांतरण राज्यसभा के सभापति के द्वारा पढ़ा जाता है। राष्ट्रपति अभिभाषण को सभा की कार्यवाही का अंग बनाने और इसमें शामिल करने के लिए अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे बाद दोनों सभाओं में अभिभाषण की एक एक प्रति महासचिव सभा पटल पर रखते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में कार्यवाही में तय तिथि को इससे जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है धन्यवाद प्रस्ताव। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण को सदन की कार्यवाही का अंग बनाने और उसमें शामिल करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रतियों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिस पर संसद के सदस्य चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है धन्यवाद प्रस्ताव और हमारी संसदीय प्रक्रिया में इसकी क्या अहमियत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में इससे जुड़ा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके बाद दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से मंजूर किया जाता है। राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम में इसकी प्रक्रिया बताई गई है।
राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के प्रारूप का सत्ता पक्ष का कोई सदस्य प्रस्तावक होता है। वो प्रस्ताव रखता है कि राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्यसभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इसके बाद दूसरे सदस्य के जरिए इसका समर्थन किया जाता है। इसी तरह लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का प्रारूप इस प्रकार होता है। इस सभा में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यंत आभारी हैं। राज्यसभा के सभापति संविधान के अनुच्छेद 87 के खंड 1 के अधीन राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल विषयों पर चर्चा के लिए राज्यसभा के नेता के परामर्श से समय तय करते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे संशोधन भी लाए जा सकते हैं जिसे सभापति उपयुक्त समझें। राज्यसभा की नियमावली में कहा गया है कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री या अन्य किसी मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार है। सभापति को अधिकार है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सदस्यों के भाषणों के लिए समय सीमा तय करे। चर्चा के लिए तय दिनों में दोनों सदनों में अलग अलग अभिभाषण में शामिल विषयों पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा काफी व्यापक होती है। सदस्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की समस्याओं पर बोल सकते हैं जिनका उल्लेख अभिभाषण में नहीं होता। उन मामलों में भी धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों के जरिए चर्चा की जाती है। ऐसे संशोधन और चर्चा की सीमा ये है कि सदस्य एक तो उन मामलों का उल्लेख नहीं कर सकते जिनके लिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर उत्तरदायी है, और दूसरा ये कि वो वाद विवाद के दौरान राष्ट्रपति का नाम नहीं ले सकते। इसके पीछे वजह ये है कि अभिभाषण की विषय वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूचनाएं राष्ट्रपति की ओर से अभिभाषण दिए जाने के बाद दी जा सकती हैं। संशोधन उन विषयों के बारे में दिए जाते हैं जिनका उल्लेख अभिभाषण में किया गया हो। इसके साथ ही ऐसे विषयों के बारे में भी संशोधन दिए जा सकते हैं जिनका उल्लेख सदस्य की राय में अभिभाषण में किया जाना चाहिए था। हालांकि राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में स्पीकर के उचित समझे जाने पर ही संशोधन पेश किए जा सकते हैं। चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक की ओर से शुरू की जाती है, उसके बाद प्रस्ताव का समर्थक अपनी बात रखता है। प्रस्ताव के प्रस्तावक और समर्थक के नामों का चयन प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे प्रस्ताव की सूचना संसदीय कार्य मंत्री के जरिए सदन को प्राप्त होती है। इसके बाद संशोधन पेश किए जाते हैं। आवंटित समय का बंटवारा विभिन्न दलों के लिए सदन में उनकी संख्या के अनुपात में किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रधानमंत्री या किसी अन्य मंत्री के उत्तर दिए जाने पर खत्म हो जाती है। इसके तुरंत बाद संशोधन निपटाए जाते हैं और धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मोशन ऑफ थैंक्स की कोई प्रोविजन नहीं है, धन्यवाद प्रस्ताव का कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, लेकिन वो एक परंपरा चली आ रही है। डिस्कशन और मोशन ऑफ थैंक्स दोनों इकट्ठे करके एक मोशन मूव किया जाता है और वो रूलिंग पार्टी का एक कोई वरिष्ठ सदस्य इसको इनिशिएट करता है, शुरू करता है, और वो दूसरा कोई सेकंड करता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसद अपने विचार रखते हैं। सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए ये सरकार की उपलब्धियां गिनाने का मौका होता है, वहीं विपक्षी दल के सांसद सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने के लिए अपने तर्क रखते हैं। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव क्या है कि दोनों सदन राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि वो आए हैं और यहां पर आके हमें संबोधित किया है, इसलिए एक कर्टसी है ये, तो इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदन पास करते हैं। दोनों सदनों से धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होना जरूरी है। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना सरकार की नीतियों के प्रति सहमति माना जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर एक पत्र के जरिए इसकी सूचना सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। हालांकि आजादी से पहले भी ब्रिटिश हुकूमत में इसी तरह की परंपरा थी।
अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर SSO संशोधन नहीं लाने की परंपरा रही है, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब राज्यसभा में संशोधन को मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से मतलब है राष्ट्र के प्रमुख की ओर से अभिभाषण। इसकी परिपाटी भारत में आजादी के पहले से है। राज्याध्यक्ष की ओर से संसद में अभिभाषण की ये व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में पहली बार स्थापित किए गए केंद्रीय विधानमंडल के समय से चली आ रही है। लेकिन आजादी के बाद वर्ष 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब संसद के 3 सत्र हुए। उस समय ये अनुभव किया गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण 1 साल में 3 बार होने से अभिभाषण पर चर्चा करते समय बार बार वही मुद्दे दोहराए जाएंगे और उन पर काफी समय लगेगा। इसके अलावा इस प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां भी थीं। इसलिए 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ही होगा। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो जहां भी है, जिस उन देशों में जो हेड ऑफ द स्टेट या फिर सोवरेन ये आते हैं और पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं और पार्लियामेंट मेंबरों को संबोधित करते हैं, ये सब है, ये रिवाज ऐसे देशों में है। ये सारे हमने इंग्लैंड से, हमारा ये सिस्टम इंग्लैंड से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसके तहत पहली संसद केंद्रीय संसद बनी थी, तो वहां से ये ज्वाइंट सेशन है जो पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस करने का सिलसिला चालू हुआ था और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। और एक बार मुझे याद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण हुआ था 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में, लेकिन 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई थी तो धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हो पाया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पेश किए जाने की बात करें तो इस बारे में लोकसभा और राज्यसभा की नियमावली में प्रावधान किया गया है। वैसे तो अधिकांश मौकों पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन नहीं लाने की परंपरा रही है, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संशोधन पारित हुए हैं। 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी। तब राज्यसभा में CPM सांसद सीताराम येचुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव में ये कहकर संशोधन प्रस्ताव पेश किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी काला धन और भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं है। सरकार की तरफ से संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन CPM संशोधन की मांग पर अड़ी रही। तब इस मसले पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 118 सांसदों ने संशोधन के पक्ष में और 57 ने संशोधन के खिलाफ वोट किए। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन के साथ पारित करना पड़ा। इसके बाद लगातार दूसरे वर्ष 2016 में भी ऐसा ही मौका आया जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राजस्थान और हरियाणा में पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए जाने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद वोटिंग हुई, जिसमें सदन में उपस्थित 155 सदस्यों में से 94 ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया था। बैठे हुए सदन के सदस्य हैं सारे, राष्ट्रपति को अपना धन्यवाद देते हैं। इस तरह का एक सिंपल, एक मामूली सा प्रस्ताव है, उसमें तो उसमें किसी तरह का संशोधन की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाउस के अंदर चर्चा होती है और ये मोशन है, तो कई लोग अपने जो विरोध प्रकट करने के लिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि ये राष्ट्रपति का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की को क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट से विरोध प्रकट करते हैं, इसलिए वो अमेंडमेंट वगैरह उसमें संशोधन वगैरह पेश करते हैं। इससे पहले भी 3 बार सदन में ऐसे मौके आए जब धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन हुआ। सबसे पहले 1980 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान CPI सांसद भूपेश गुप्त राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि अभिभाषण में विधानसभाओं में दल बदल और उन्हें भंग किए जाने संबंधी प्रयासों का जिक्र नहीं किया गया है।
दूसरा मौका आया 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में, जब एक साथ 6 संशोधन पारित किए गए। इनमें राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद और इसे सुलझाने के प्रस्तावित उपाय, राज्य सरकारों को अस्थिर करने के प्रयासों से जुड़ा मुद्दा, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने से जुड़ा मामला और भारत श्रीलंका समझौते से जुड़े विषय शामिल थे। साथ ही आनंदपुर साहिब प्रस्ताव संबंधी मुद्दे और 1989 में कुछ आतंकियों को रिहा किए जाने का मुद्दा भी शामिल था। तीसरी बार 2001 में एनडीए सरकार के दौरान भी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पारित हुए थे। सदन ने बाल्को कंपनी के विनिवेश के मुद्दे से जुड़ा संशोधन मंजूर किया था। तब सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम बाल्को को निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने का फैसला किया था। इसी के साथ आज के विशेष में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।